यातायात पुलिस गोरखपुर द्वारा यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में टीआई अख्तियार अहमद अंसारी और टीआई सुनील कुमार सिन्हाल द्वारा नौसर से खजनी मोड़ तक दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों को रोककर यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई और बताया गया कि जब भी अपने वाहन चलाएं यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही आम जनमानस के लोगों से संपर्क कर यातायात के नियमों संकेतों के बारे में जानकारी दी गई एवं पंपलेट का वितरण किया गया। इस दौरान बिना हेलमेट तीन सवारी बिना सीट बेल्ट लगाए एवं बिना नंबर प्लेट लगाए वाहनों की चेकिंग की गई। नियम विरुद्ध पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान एवं शमन शुल्क की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आज शहर क्षेत्र में बिना हेलमेट के 247 चार पहिया वाहन द्वारा सीट बेल्ट न पहनने पर 16, मोबाइल से बात करने पर 7, नो पार्किंग में खड़े 151 वाहन, चार पहिया वाहन पर काली फिल्म लगाने वाले 3 एवं बिना नंबर लगाए 6 तथा दो पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाए 14 वाहनों का चालान तथा यातायात के अन्य अपराधों में चालान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, त्यौहार के मद्देनज़र कल काफ़ी प्रसार था वाहनों का, उसके मद्देनज़र हम लोगों द्वारा आज हाईवे पर और शहर के अंदर दोनों जगहों पर ये सुनिश्चित किया गया कि किसी तरह से यातायात के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। तो मोहतीपुर से पैडलेगंज, पैडलेगंज से टीपी नगर, फल मंडी पर काफ़ी भीड़ थी आज, तो उसको भी सही कराया गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पब्लिक फल खरीदने के लिए आज जा रही है, तो उसको उसकी व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से की गई है, जिसकी वजह से हाईवे हमारा बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। खजनी चौराहा तक, तिराहे तक हम लोग गए थे, वहाँ पर खड़े होकर के पूरा वाच किया गया है, तो वाहन बहुत स्मूथली आज चल रहे हैं, किसी तरह की हाईवे पर दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मोहद्दीपुर से लेकर कूड़ा घाट और देवरिया बाईपास तक हम लोगों ने देखा, यहाँ भी अच्छे से यातायात व्यवस्था चल रही है। शहर के अंदर शास्त्री चौराहा, बतिया हाता, कैंट चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा और यहाँ गोलघर में, यहाँ भी बहुत स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी भ्रमणशील है, क्रेन भी हमारी लगातार भ्रमणशील है, अगर कोई वाहन रास्ते पर खड़ा पाया जा रहा है तो उसको, इसमें कोई चालक नहीं है तो उसको हटा कर क्रेन को यार्ड, क्रेन से यार्ड में भेज रहे हैं। विजय चौक वाले रास्ते को भी खोल दिया है क्योंकि उधर एक तरफा होने की वजह से एक रूट बन गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा गोलघर साइड में ट्रैफिक का दबाव था, तो उसको भी टूबे करके उधर भी बाहर को निकाला जा रहा है। तो बहुत अच्छे से अभी यातायात व्यवस्था चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आज किसी भी तरह का कोई जाम किसी भी जगह पर नहीं लगेगा और बहुत इत्मीनान से लोग मार्केट में आकर के परचेजिंग करेंगे। सर, जाम की स्थिति न उत्पन्न हो पाए इसको लेकर एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ भी लगाई हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, हमने बैरियर भी लगा रखे हैं, हम लगातार स्थिति को देख रहे हैं। अगर वाहनों का दबाव बढ़ता है तो हम फोर व्हीलर्स को, ऑटो, ई रिक्शा को, इनको मार्केट में रोक भी सकते हैं कुछ टाइम के लिए, इसकी ड्यूटियाँ हमने लगा रखी हैं। इसी तरह से हाईवे पर, फल मंडी में, इन जगहों पर हमने ड्यूटियाँ लगा रखी हैं, पार्किंग में हमने ड्यूटियाँ लगा रखी है, क्रेन हम लगातार चला रहे हैं जिससे कोई वाहन फंसा ना हो रोड पे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ लगा करके त्यौहार के मद्देनज़र यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और अच्छा करने का प्रयास किया। सर, ट्रक और टैंकरों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, इसमें चूँकि जाड़े का सीज़न है, कोहरा पड़ेगा, तो जो ट्रैक्टर हैं उनमें रिफ्लेक्टर नहीं है, ऐसे में दुर्घटना होने के चांस रहते हैं,
तो ट्रैक्टरों को रोक करके साइड में उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का भी काम चल रहा है। वाहनों को देखा भी जा रहा है, जो बिना डीजल के चल रहे हैं उनको देखा जा रहा है, बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनको देखा जा रहा है। यातायात के नियमों का जो पर्चे हैं उनको बांटा जा रहा है। अभी मेरे द्वारा कई स्थानों पर ऐसा कार्य किया गया है, लगातार यातायात के नियमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ये सार्थकता यातायात माह की यही होगी, हम दुर्घटना को कम करने में सफल हों और लोगों में यातायात के नियमों का आदत के अनुसार पालन कराने में हम कामयाब हो जाएं, तो ये बड़ा अच्छा होगा।